राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के 10वें दीक्षांत समारोह का बेहद शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से टिप्स के BBA, BCA, BJMC एवं BCOM ऑनर्स के छात्र छात्राओं को ग्रेजुएशन की डिग्रियां प्रदान कर सम्मानित किया गया। टिप्स के दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा के साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक जयप्रकाश तोमर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रख्यात शिक्षाविद वेद प्रकाश टंडन मौजूद रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा के द्वारा की गई। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत टिप्स के डायरेक्टर डॉक्टर आर के टंडन ने स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर किया। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने न सिर्फ टिप्स की फैकल्टीज बल्कि उसके द्वारा छात्र छात्राओं को सिखाए जाने वाले जीवन मूल्यों की तारीफ की, वहीं टिप्स के मेधावी ग्रेजुएट्स की भी दिल खोलकर सराहना की। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम से जुड़े अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। देखिए, एक तो बहुत ही अच्छा कैंपस और अपना बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे एरिया में चलता है, तो मैं उसके लिए प्रतिनिधि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, टंडन जी को और जो हमारी सारी मैनेजमेंट है, फैकल्टी है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है और वो देश का अच्छा भविष्य साबित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ट्रिनिटी इंस्टीट्यूशन को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एक फ्लैगशिप कॉलेज है जो ए ग्रेड है NAAC से भी, और हमारी यूनिवर्सिटी से A+ है, और पिछले कई सालों से इसने बहुत सारे अकादमिक जो हैं वो मानक स्थापित किए हैं, और हमारा यूनिवर्सिटी का एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन है। आज जब दीक्षांत समारोह पे जो बहुत सारे बच्चे जो मास मीडिया हो, चाहे BCOM हो या लॉ के प्रोग्राम से जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही लक्की हैं, वो बहुत ही किस्मत वाले हैं कि वो ऐसे समय पे उनको डिग्री मिल रही है, जबकि हमारा देश जो है वो इतने ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहा है। हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है। कमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जो बाकी जो 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 आर के टंडन है या VP टंडन साहब हैं, इनकी जो लीडरशिप में जो ये बहुत सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ये वास्तव में एक हमारे दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सिद्ध हुए हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत कई सालों से जो है हमारी एजुकेशनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक क्षेत्र में बहुत जो है राष्ट्र निर्माण किया है, क्योंकि बच्चे जो निकल के आते हैं वो वही देश की सेवा करते हैं देवी अपनी सेवाओं से, और एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है हमारी यूनिवर्सिटी का, और NAAC जो एक्रेडिटेड NAAC जो है जो सारे इंस्टीट्यूशन को एक मापदंडों पे, एक गोल्डन मापदंडों पे जो है उनको आंकता है, उसके हिसाब से इनका ए ग्रेड है, तो हमारे लिए भी, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक बहुत ही गर्वपूर्ण बात है। इस संस्थान ने दिल्ली के अंदर जो संस्कार और जो शिक्षा दी वो एक ऐतिहासिक है। दिल्ली में भी ऐसे संस्कार और शिक्षा बच्चों को मिल रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और हमें लगता है कि वो देश का और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक इतिहास लिखने वाले बच्चे तैयार इन्होंने किए। ये संस्था निश्चित तौर पर जिस तरीके से आध्यात्मिकता, भौतिकवाद सब बच्चों को संस्कार दे रही है, ऐसे दिल्ली में बहुत कम संस्थान हैं, और निश्चित तौर पर मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि
कि ये और संस्थान आगे जितने भी संस्थान बढ़ा सके बढ़ाने चाहिए और मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ट्रिनिटी तो जो इंस्टीट्यूट है हमारा द्वारका का, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे आईपी का, दिल्ली का। और हमारे छोटे ब्रदर जो चेयरमैन हैं इसके, डॉक्टर आर के टंडन जी, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जो यहाँ पर एडमिशन है वो भी बड़ी अप्रोच से मिलता है जब सीटें पूरी हो जाती हैं। तो मैं तो बधाई दूंगा कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है भाई साहब ने, और इतना सुंदर कार्यक्रम था। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, वाइस चांसलर आए, और भी बहुत अच्छी जो रिस्पेक्टेड लोग थे वो डेस्क पे थे। तो शुभकामनाएं मेरी सभी को, सभी बच्चों को जिन्होंने आज डिग्री ली है, कि उनका फ्यूचर ब्राइट था और ब्राइट होगा आगे, और भी उनका जहाँ भी वो जाएंगे, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हैं जहाँ उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज का जो दौर है वो स्किल्स का है, प्रोफेशनलिज्म का है। वो समय चला गया जब भारत सिर्फ खेत खलिहान का देश माना जाता था, जैसा हमारे माननीय सांसद परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने बताया कि हम पांचवी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उससे तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आने जा रही है। और ये जो बात है उसी में सारा सार है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उसकी बहुत देश में आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये इंस्टीट्यूट नहीं होंगे तब तक हम प्रोफेशनल्स नहीं बना पाएंगे, स्किल्ड इंडिया नहीं बना पाएंगे। और जब हम प्रोफेशनल और स्किल्ड इंडिया अपने जैसे ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं या इस तरह के और अच्छे जो काम करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, जब तक इसको नहीं बढ़ाएंगे, इनको नहीं और आगे इनके नंबर और संख्या देश में बढ़ेगी, तो हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। तो मेरा तो ये संदेश है कि हर स्टूडेंट को कि वो फोकस्ड रहे, टारगेटेड रहे, अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही निर्धारित कर लें और उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, चाहे वो किसी भी तरह का व्यवसाय की ओर वो एजुकेशन ले जाएं, बट जो भी एजुकेशन लें वो उनको किसी निर्धारित व्यवसाय की तरफ अग्रसर करे, ऐसा जो है इस वक्त एजुकेशन पैटर्न को लेकर चलना ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो ए प्लस ग्रेड है SFRC से और नेक्स्ट से ए ग्रेड है, वो इन सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं। वी आर गिविंग क्वालिटी एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, मास मीडिया, लॉ एंड जर्नलिज्म, एंड अवर स्टूडेंट्स आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल इन द सोसाइटी, वेदर इट इज़ इन द जॉब्स और इन द यू नो सम बिजनेसेस। So I, wish them all the very best on this 10th convocation of Trinity Institution, that let God give them more wings to fly high in the sky of success. Thank you so much. टिप्स के दीक्षांत समारोह के माध्यम से BBA, BCA, BJMC एवं BCom ऑनर्स की डिग्रियां प्राप्त करने वाले ग्रेजुएट्स के चेहरों पर भी विजयी मुस्कान देखी गई। सर, बस मेरा बहुत मतलब टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू है, क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। वाइस चांसलर सर को बहुत बड़ा थैंक यू है, एंड जो भी इन्होंने हमें पढ़ाया है बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हुआ है इस चीज़ में। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में कैंसिल हो गया था बट अभी अच्छा लग रहा है डिग्री मिलने के बाद। बहुत अच्छा टाइम था कॉलेज में जब स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। फैकल्टीज भी अच्छे थे, सब ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको बता दें कि कमल, वंदना एवं ट्रिनिटी ग्रुप के द्वारा पश्चिमी दिल्ली के साथ ही NCR के क्षेत्र में कई शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हजारों छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष अपने जीवन को संवारने का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टिप्स के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।